और मेरे भाइयों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। आज वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है जो के बारे में बताने वाला हूँ, वो है ANM GNM और BSc नर्सिंग के बारे में कि एक ही चीजें क्या होती है, इसका क्या फीस लगता है, कितना आपको ANM में फीस, GNM में फीस और नर्सिंग में कितना फीस जाएगा BSc नर्सिंग में, तो इसको बताने वाला हूँ मैं आपको एकदम सही से। ठीक है, काम क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, वेतन क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी आपको पता चलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ANM और GNM नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसमें है। ठीक है, तो ANM और GNM कोर्स जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, जबकि BSc नर्सिंग जो है वो एक डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, ANM की बात करें तो ANM का पूरा नाम एक्सुलरी नर्स मेडाफेरी होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन करने के साथ ही आपको 12th भी पास होना चाहिए। आर्ट और साइंस साइड वाले कोई भी इसको कर सकते हैं। इस कोर्स में नर्सिंग से संबंधित बेसिक चेयर भी बनाया जाता है, जिसमें पढ़ाई आपको कराई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद बनने वाली नर्स को ANM नर्स कहा जाता है। ये एक छोटे और गांव के एक क्लिनिक में भी, हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। GNM की बात करें तो GNM का पूरा नाम जर्नल नर्सिंग ऑफ मेडावेरी होता है, मेडावेरी होता है, ठीक है, जिसमें 3 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आपको इंटर्नशिप भी मिलता है। GNM जो होता है वो 12th के बाद कर सकते हैं। फिजिकल कैंडिडेट आपको, ये थोड़ा सा कट करना पड़ेगा यहाँ से, कितना टाइमिंग हुआ है, 151 पे, ठीक है, ट्वेल्थ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है, तभी आप कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के लिए। मतलब GNM जो कोर्स है वो आपका मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस होता है इसमें आपको GNM की पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल आपको नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज भी। हॉस्पिटल में GNM नर्स ही को देखा जाता है, मतलब कि इनको मतलब कार्य दिया जाता है हॉस्पिटल में जिसमें काम करते हैं। बाकी BSc नर्सिंग की बात करें तो BSc नर्सिंग का बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग कहा जाता है। ANM और GNM के साथ सभी कुछ पढ़ाया जाता है, मतलब उससे भी ज़्यादा एडवांस पढ़ाया जाता है। GNM और ANM के बारे में तो पढ़ाया जाता है, मतलब उनके कोर्स जो होते हैं ANM और GNM के, वो तो पढ़ाया जाता है, बाकी उनसे थोड़ा बहुत एडवांस भी पढ़ाया जाता है। जिसके BSc नर्सिंग का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ANM कोर्स को हिंदी वाले में आसानी होती है करने में, लेकिन GNM और BSc नर्सिंग को इंग्लिश में जारी कराया जाता है, क्योंकि ये दोनों सिलेबस इंग्लिश में ही होते हैं। मतलब आपको ANM जो है वो तो हिंदी में मिल जाएगा, बट GNM और BSc नर्सिंग आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। अब कि इनकी फीस की बात करें तो ANM को 3 से ज़्यादा कम इंटरव्यू वाले दे सकते हैं, जिसमें आपको फीस की अगर बात करें तो ANM में 2 लाख तक आपको जा सकता है, ठीक है, 1 लाख मतलब 1,50,000 भी जा सकता है, 1 लाख के करीब आपको जाता है, 1,00,000-1,50,000 के बीच जाता है, ठीक है। GNM की बात करें तो 3 साल का खर्चा जो होता है इसमें, दोस्त देखिए मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि जैसे देखो मैं एक तरह से और थोड़ा सा गैस करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। ANM की बात करें तो देखो ANM 2 साल का होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको 1,00,000 से 1,50,000 की फीस जाती है, ठीक है, एक एस्टिमेट होता है, जैसे हॉस्पिटल वाइज आपको गैस होता है कि हॉस्पिटल आप अच्छा लेंगे तो और अच्छे से फीस जा सकती है, बाकी जो एवरेज जो होता है खर्चा वो 1 से 1.5 लाख तक होता है। अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं 3 साल का खर्चा कितना होगा GNM का, जो है GNM 3 साल का होता है, तो उसमें आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक हो सकता है, एक एस्टिमेट एवरेज से जो आपका खर्चा है, ठीक है। बाकी आप अच्छे खासे कॉलेज में जाएंगे तो थोड़ा सा फीस ज्यादा हाई भी हो सकता है। बाकी अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें तो 3 लाख से 4 लाख तक इनका अंदर खर्चा हो जाता है। बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि BSc नर्सिंग एडवांस कोर्स है, यह अच्छा खासा कोर्स है, ठीक है, ये एक डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस जा सकता है। बाकी अगर आप अच्छा कॉलेज में जाएंगे तो 5 से 6 लाख तक लग जाएगा। बाकी BSc ANM और GNM की अगर हम बात करें कि क्या काम करते हैं, तो नहीं काम छोड़ दूँ, इसको कट करना पड़ेगा मुझे, 434 कट करना पड़ेगा, ठीक है।
एएनएम और बीएनएम और जेएससी नर्सिंग के बात करें तो एएनएम की प्रतिमा की सैलरी जो होती है 10,000 से लेकर 12,000 के बीच भी होता है, बाकी इनका अच्छा खासा वेतन भी मिलता है और भी जैसे आपको हॉस्पिटल मिलेंगे उस हिसाब से आपको बढ़ती जाएगी। जीएनएम की बात करें तो 15,000 से 20,000 तक आपको मिल जाता है वेतन, ठीक है। और इसमें अगर आपको बात करें कि नौकरी मिल जाती है, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो जल्दी से कोर्स करने का नौकरी करना चाहते हैं तो आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लेकिन वही अलग अलग अपने आपने तीन से चार साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, समय होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।